कोरोना वायरस महामारी से देश की जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन का बागपत जिले में पालन नहीं किया जा रहा और अभी भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बड़ौद कस्बे में बाजारों को खोला जा रहा है, जिन पर लोगों की भीड़ भी जमा हो रही है और इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा, जिससे कि क्षेत्र में महामारी फैलने का भी खतरा बन सकता है। वहीं क्षेत्र के अधिकारी पूरी तरह से आदेशों का पालन करने की बात कह रहे हैं और दुकानों पर घेरे बनाने की बात कह रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जिले में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो है बड़ौद के अंदर मेडिकल का और दुकानों का जो है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा, दुकान और मेडिकल पे काफी भीड़ लगी है। देखिए, मेडिकल की जो भी दुकानें हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। वहाँ पर 1 मीटर के दायरे पर हम लोगों ने गोले बनाए हुए हैं, जिसमें लोग खड़े होकर के और लाइन लगा करके ही मेडिकल की दुकानों से दवाइयाँ प्राप्त करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है और काफ़ी समय इसका अनुपालन किया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती होगी कि लोग पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है जो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन उन लोगों से कराती रहती है। काफ़ी दुकान भी जो है समय से बाद तक खुली रहती है। सर, ई रिक्शा भी बराबर सवारी ढो रही है सर, उनके बारे में? नहीं, ऐसा कहीं संज्ञान में नहीं आया है। लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए हम लोग निरंतर जो है भ्रमण करते रहते हैं और जब भी इस तरीके की कोई बात होती है तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है जो लोग ही लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं।